नमस्कार दोस्तों, तो आज हम करेंगे ई स्मार्टफोन का टोटल चार्जिंग टेस्ट और बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट। जैसे कि देख सकते हैं अभी इसका चार्ज है एग्जैक्टली 1%। और फोन कौन सा है, जैसे कि देख सकते हैं फोन का नाम है मोटरोला H50 फ्यूजन जो कि रिसेंटली 23,000 पे लॉन्च हुआ है। तो इसलिए इस वीडियो पे हम पहले 1 से 100% टोटल चार्ज देंगे, उस दौरान देखेंगे कि इसका टेम्परेचर कितना ऊपर नीचे होता है या फिर फुल चार्ज होने में एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है। उसके बाद हम लगातार इसमें गेम प्ले करेंगे और देखेंगे कि पर घंटे इसमें कितना बैटरी डिक्रीज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, तो ये जो टेस्ट शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहूंगा। मोटरोला की स्मार्टफोन का जो बैटरी सेक्शन, बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं ये जो बैटरी सेवर मैंने ऑफ करके रखा है, ये जो एडाप्टिव बैटरी ऑप्शन इसे मैंने ऑफ करके रखा है, जो चार्ज बूस्ट इसे मैंने ऑन किया है जिससे कि जो चार्जिंग स्पीड वो इंक्रीज हो जाए, लेकिन हाँ इसकी वजह से जो डिवाइस वो थोड़ा सा ज्यादा गर्म होगा। ऑप्टिमाइज चार्जिंग नाम का जो ऑप्शन उसे मैंने डिसेबल करके रखा है। इससे क्या होगा, आपका यूसेज बिहेवियर देख के जो फोन का जो चार्जिंग उसे थोड़ा सा ऊपर नीचे करेगा, तो इसे मैंने ऑफ करके रखा है। या फिर जैसे अभी इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो फोन का जो बैटरी लाइफ जैसे 80% हो जाएगा तो थोड़ा सा रुक जाएगा, मतलब थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, उस चीज को मैंने ऑफ करके रखा है। उसके बाद ओवरचार्ज प्रोटेक्शन इसे मैंने ऑन करके रखा है और जो फाइनली बैटरी परसेंटेज इसे मैंने ऑन करके रखा है। तो अभी तो हम इसका चार्जिंग शुरू करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं इसका जो चार्जिंग एनिमेशन दिखने में एग्जैक्टली ऐसा है। तो अभी तो हम बात करेंगे एग्जैक्टली 5 मिनट बाद। तो पहले के 5 मिनट इधर हो चुका है खत्म। अगर हम बैटरी लाइफ की बात करें, 5 मिनट में हुआ है 16%, मतलब अभी करीबली इसमें मिनट में 3% से ज्यादा स्पीड में चार्जिंग हो रहा है, जो कि डेफिनेटली काफी बढ़िया है। और इस दौरान अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें, 42.3, 40, 38, 41, 40, 38, मतलब देखिए कि इसका जो चार्जिंग स्पीड वो काफी फास्ट है और इसके लिए इसका जो टेम्परेचर चार्जिंग के टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जब इसमें 15 मिनट हो जाएगा तब। तो इधर 15 मिनट चार्जिंग हो चुका है खत्म। अगर हम इसके बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो अभी इसमें करेंटली 42%, मतलब देख ही सकते हैं कि जैसा पहले था मिनट में 3% के आसपास, अभी भी इसका बैटरी लाइफ चल रहा है मिनट में 3% के आसपास, मतलब इस स्मार्टफोन में चार्जिंग काफी फास्ट है। और अगर हम इस दौरान इसके टेम्परेचर के बारे में बात करें, 42, 41, 39, मतलब ऑलमोस्ट 40 के आसपास, 42, 41 और 40, मतलब देखी जाती कि जैसे पहले टेम्परेचर था 41 से 42 के आसपास, अभी भी टेम्परेचर एग्जैक्टली सेम। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जब इसमें आधा घंटा खत्म हो जाएगा तब। तो इधर हमारा 30 मिनट हो चुका है खत्म। अगर हम बैटरी लाइफ के बारे में बात करें, अभी इसमें बैटरी लाइफ है 76%, मतलब देखिए 1% से 76% जो एवरेज जो चार्जिंग स्पीड वो ऑलमोस्ट 2.5 से 3% के आसपास है पर मिनट, मतलब चार्जिंग इसका काफी फास्ट है। और अगर हम इसके टेम्परेचर के बारे में बात करें, 40, 39, 40, 40, मतलब 41, 39, मतलब देखिए कि पहले से आखिर तक जो टेम्परेचर वो एग्जैक्टली सेम है। और इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो चार्जिंग वो नेक्स्ट 15 मिनट में 100% हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जब इसमें 100% चार्ज हो जाएगा तब। तो जैसे कि देख सकते हैं इसका बैटरी फुल चार्ज हो चुका है और फुल चार्ज होने में टाइम लगा है एग्जैक्टली 46 से 47 मिनट के आसपास, मतलब मैं ये चीज कह सकते हैं इसके अंदर हमें जो मिलता है 68 वाट का चार्जर वो कोई दिखावे वाला चार्जर नहीं है, सही में फास्ट चार्जिंग, मतलब प्रॉपर वाला फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है। और इस दौरान अगर हम इसके टेम्परेचर के बारे में बात करें, 39, 38, 37, 39, मतलब ऑलमोस्ट 40, 38 और 37, मतलब चार्जिंग के दौरान इसका मैक्सिमम टेम्परेचर हुआ है 41 से 42 डिग्री के आसपास, जो कि डेफिनेटली सही बात है एक फास्ट चार्जर वाले स्मार्टफोन के हिसाब से। तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट। अच्छा, पहले मैं एक चीज दिखा देता हूँ, इसका जो डिस्प्ले ब्राइटनेस अभी एग्जैक्टली 100% पे, जो रिफ्रेश रेट उसे मैंने करके रखा है 144 हर्ट्ज। तो अभी मैं इसमें लगातार गेम प्ले शुरू करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि पर घंटे इसमें कितना बैटरी डिक्रीज होता है, उस दौरान इसका टेम्परेचर कैसा रहता है। और इस जगह देख सकते हैं मैं गेम प्ले शुरू कर रहा हूँ 40 डिग्री से।
तो जैसे कि देख सकते हैं मैं पिछले लगातार एक घंटे से इसमें फ्री फायर मैक्स खेल रहा हूँ, मैक्सिमम रिफ्रेश रेट पे, मैक्सिमम ब्राइटनेस पे और वो भी मैक्सिमम सेटिंग पे। पहले तो हम बात करेंगे बैटरी लाइफ के बारे में। जैसे कि देख सकते हैं अभी इसका बैटरी लाइफ है 86%, मतलब एक घंटे में अगर आप ऐसे वाईफाई पे लगातार गेम प्ले करेंगे तो बैटरी लाइफ खत्म होगा 14% के आसपास। अभी देखिए मैंने इसमें 5G इस्तेमाल नहीं किया, अगर आप 5G यूज करेंगे तो बैटरी थोड़ा सा ज्यादा खर्चा होगा। मतलब कैसा था कि इस हिसाब से इसका मैक्सिमम स्क्रीन ऑन टाइम आपको मिलेगा 5 घंटे के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 5 घंटे के आसपास आपको लगातार गेम प्ले करने को मिलेगा, जो कि 5000mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन के लिए डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया है। और अगर हम इसके टेम्परेचर के बारे में बात करें तो इधर आपको मिलेगा 41.8, 39, मतलब ऑलमोस्ट 40, 38, 41, 39, मतलब ऑलमोस्ट 40 और 37। तो मतलब देखिए सकते कि एक घंटे लगातार गेम प्ले करने के बाद भी इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है वही 41 से 42 के आसपास। मतलब इधर से हमें यही चीज मालूम चल रहा है, अगर हम इस पे बैटरी चार्ज देंगे तो भी टेम्परेचर होगा 40 से 41, अगर भी इसमें लगातार गेम प्ले करेंगे तो भी टेम्परेचर होगा 40 से 41 के आसपास। मतलब टेम्परेचर कंट्रोल इस स्मार्टफोन का ठीक है। और हाँ, इधर मैं एक और चीज भी मेंशन करना चाहूंगा, लास्ट दिन मैंने इस स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस टेस्ट या फिर गेम प्ले को वीडियो बनाया था। मैंने आपको बोला था BGMI या फिर फ्री फायर मैक्स में मुझे मिस टच का इशू हो रहा था, जो कि जनरली कार्ड डिस्प्ले स्मार्टफोन में होता है। लेकिन आज मैंने लगातार एक घंटा ये जो फ्री फायर मैक्स मैंने प्ले किया, आज मुझे कोई भी मिस टच का इशू नहीं हुआ। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है, तो इसलिए मेरे ख्याल से शायद लास्ट दिन मैं ऐसे किसी तरीके से शायद मोबाइल पकड़ रहा था जिसमें टच का इशू हो रहा था, लेकिन आज मुझे इसमें कोई भी टच का प्रॉब्लम नहीं हुआ, स्पेशली फ्री फायर मैक्स खेलते हुए। ये चीज ध्यान में रखना। तो अभी आप मुझे कमेंट जरूर बताने कि आपको इसके बाद इस स्मार्टफोन रिलेटेड और कौन सा रिव्यू देखना है, उसके बारे में डेफिनेटली वीडियो बना दूंगा। तो मिलता अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।